अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है सब्ज़ी के हवाले से, और आज जो हम सब्ज़ी बनाना सिखा रहे हैं वो है मोगरे मटर आलू। और ये इसकी रेसिपी क्या है, ये कैसे बनेगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने एक प्याज तेल डाल के ना चूल्हे पे रख देती हूँ कढ़ाई में, ठीक है। ये मैंने मोगरे उबाल लिए हैं, ये देखें, ठीक है। ये आलू हैं, ये मटर है, एक टमाटर है, आधा चम्मच नमक का, आधी चम्मच यानी कि मिर्च की, एक चम्मच मिर्च की, आधी चम्मच हल्दी की। तो बस हम लोगों ने तीन मसाले लेने हैं। हाँ जी। और तीन ही सब्जियां ली हैं, आलू, मटर और मोगरे। हाँ जी। तो ये आज की हमारी रेसिपी, इसको हमने बनाना शुरू कर दिया। तो पहले हम लोगों ने प्याज, पहले इसका मसाला तैयार करेंगे हम लोग, कैसे मतलब बनाएंगे इसका? मसाला तैयार करेंगे ना, प्याज ब्राउन करके हल्के हल्के से, तो उसमें मसाला डालेंगे, फिर मटर डालेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर मोगरे उबले हुए हैं ना ये वाले, हाँ वो अभी हम लोगों ने दिखा दिया, फिर आलू हम लोगों ने पा लिए, ठीक है। तो व्यूअर, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं मज़ेदार से जो सी सब्ज़ी की रेसिपी है मोगरे मटर आलू वो कैसे तैयार हो। ये तो व्यूअर, जहाँ पे हम लोगों ने जो सी प्याज है सूखने के लिए रखे हुए हैं, इसको हम लोग लाइट सा कलर देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि जो सी हमारी रेसिपी है मोगरों के हवाले से वो कैसे तैयार हो। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर जो से मोगरे हैं उनको पकने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पका लेना है, इसको मतलब एक दो बार उबाला दिलाना है। उबाला दिलाने के बाद हम लोग जो है मोगरे उसको पकाएंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मोगरे आलू मटर की, तो पहले हम लोगों ने मोगरे यहाँ पर तैयार करने हैं। मोगरे तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये जब हम लोगों ने इसके अंदर जो होता है एक अंदर टमाटर वो शामिल कर दिए बारीक बारीक काट कर, तो अब उसके बाद वो हम अच्छे से नमक मेरे डालेंगे कि मूंगों को मेरे डाल के पकाएंगे। नहीं, ये ज़रा नरम हो जाएगा ना, मैं वाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी सब्जी है सीज़न की। तो मैंने कहा ये मूंगे आलू मटर इतने अच्छे बनते हैं, तो वो भी मैंने कहा अपने बहन भाइयों को मैं बताऊं कैसे पकाते हैं हम लोग। तो सब्जियां लोगों को जिनको पसंद होती हैं तो उनको होता है कि हम सारी तरह की सब्जियां बना के ट्राई करें, लेकिन बनानी नहीं आती, तो इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ जो सी ये मोगरों की रेसिपी इसको शेयर किया जाए। सीजन की सब्जियाँ हैं, सबसे बड़ी बात ये है। थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसको भून रहे हैं, और ये टमाटर भी नरम हो जाएंगे साथ ही। आज तो सर्दी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है हमारे यहाँ एरिया में, धूप भी बस थोड़ी सी निकल रही है, धुंध भी रात को पड़ जाती है अपना। ये मैंने मटर भी डाल दिया, ये देख कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मटर पकाते हैं थोड़ी देर तो फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, हमारी मज़ेदार से जो सी मूंगरे आलू मटर की रेसिपी है वो कैसे फाइनल। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स, अब जो से मटर है वो तकरीबन गल चुके हैं, हाफ कुक हो गए, तो अब हम लोगों ने इसके बाद के अंदर जो से है वो आलू शामिल कर देने हैं। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर मसाला, क्योंकि भून के हम लोगों ने इसके अंदर मटर डाले थे और अब आलू डाल दिए, लास्ट में हमने मोगरे क्योंकि हम लोगों ने पहले बॉईल कर लिए हैं, हम लोगों ने इनको पका लिया था, इस वजह से हम लोग उसको लास्ट पर डालेंगे। और जो ये दो सब्जियाँ हैं इनको हम लोगों ने पहले डाल लिया। अब इन्हें मिक्स करते हैं, तो उसके बाद हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख देते हैं। चलें बस हो गए, अब ये ना आलू भी हो जाएंगे, जो कसर है ना मटरों में मूंगरों में वो भी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें,
बस। हाँ जी, अब ढक देते हैं इसे पकने के लिए। हाँ जी, ये देखिए हमारे आलू भी हो गए हैं, मूंगरे भी हो गए हैं, मटर भी, ये पानी काफ़ी सारा है, अब पानी सुखाते हैं। हाँ जी, आप पकाएं बहुत अच्छे बनेंगे, कीमे में भी बन जाते हैं, मतलब कीमे में डालो मूंगरे। हाँ जी, आलू मटर भी। हाँ जी, आलू मटर भी डाल लें, कीमा डाल लें, गोश्त डाल लें। मैंने खुद ही नहीं डाला, मैंने कहा मतलब सेपरेट से बना कर उसको इसके अंदर शामिल करें कि मतलब किस तरह उसकी तरकीब, मतलब गोश्त भून के, कीमा भून के, ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने पकाया ना उसमें डाल दें कीमे में गोश्त में। तो मैंने कहा चलो गोश्त तो रोज़ ना पकता है, सब्जियां भी दिखानी चाहिए ना जी, मतलब वो लोग गोश्त नहीं खाते, सब्जी खाते हैं मगर उनको मतलब बनाने का अगर बनानी नहीं उनको आती तो हम लोगों ने आज आपसे रेसिपी शेयर कर दी है। सीजन की सब्जी है, बहुत अच्छी बनती है, बना के आप देखें, कड़वे भी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं मूंगरे। और ये एक खास तौर की स्मेल होती है ना, वो भी बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब जो वो उबाली है ना वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि हम लोग जब बचपन में पढ़े गए थे ना अपने अकेडमी, तो हमारी जो अकेडमी वाली बाजी थी ना वो उनके घर बैठे बैठे एकदम से बहुत ज्यादा तो बुरी सी स्मेल हो गई, तो मूंगरियों को बनते हैं ना ये, तो हम लोगों ने ना वहाँ से फटाफट छुट्टी करके हम लोग घर जल्दी आ गए कि उनके घर बहुत गंदी स्मेल हो रही है। तो बाद में चला उन्होंने मूंगरे बनाए थे तो वो इतनी मतलब अजीब सी थी एक उसकी मतलब बनाने की स्मेल, तो लेकिन शुक्र अल्लाह का हम लोग जो बना रहे हैं ऐसा सी नहीं है, बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं हो रही। लोग रोज़ाना मूली के परौंठे, आलू के, सर्दी है ना, हाँ वो पराठे बनाते हैं, हमने भी आपको सिखाए हुए हैं पराठे, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। देखिए क्योंकि सर्दी है इस तरह की जो सी चीज़ें होती हैं सुबह को दिल करता खाने को, तो अभी हम उसको पानी को, असल में ये है ना कई लोग पंजाब में ना सुबह ही नाश्ते के साथ ही रोटी खा लेते हैं, दोपहर को नहीं खाते, दिन छोटे होते हैं ना, वैसे छोटे भी शाम को खाना खाते हैं, वो लोग जो तीन टाइम खाना खाते हैं क्योंकि दिन छोटे होंगे फिर दो टाइम सुबह देर से भी सोकर उठते हैं, सर्दी होती है तो जल्दी से उठने उठता नहीं है कोई, तो ये है ना कि फिर दोपहर को खाना ही नहीं खाते, दिन छोटे हैं ना इसलिए। आपकी दादी भी नहीं खाती थी दोपहर को खाना सर्दियों को, वो भी शाम को ही खाते थे। तो अभी हम इसको पानी सुखाते हैं, हम तो खुश कर रहे, तो फिर व्यूअर्स दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, घी भी आ जाएगा ना फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और देखना कि मज़ेदार से जोन सी मारी है मूंगरों की रेसिपी है, कैसे फाइनल होगी उसको जरूर ट्राई करें क्योंकि बिल्कुल उसको स्मेल नहीं है। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें आप लोग, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि आप उस तरह की मज़ेदार हमारी हौसला अफजाई करा करें, आप जो अपने बहन भाइयों से शेयर करा करें, हाँ जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपनी फीडबैक देते हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। उसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारा हौसला ज़्यादा होता है, हौसला अफजाई होती है कि हमारे खाने पसंद करते हैं आप, तारीफें करते हैं, इसलिए इसी तरह अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। चल जी, धनिया भी मैंने डाल दिया, तो अब ये जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हम लोगों ने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया है और अब ये जो हमारी रेसिपी है ये हरी भरी सी तैयार हो गई है, घी भी निकलना शुरू हो गया, भून रहे हैं हम लोग अच्छी तरह से। अभी है पानी इसमें थोड़ा सा ना, पानी खुश्क हो जाए। हमारे इधर पंजाब में तो ये चीज़ें काफ़ी खाते हैं लोग, मूंगरे हुए, साग हुआ, गाजरें, ये कितना प्यारा कलर हो गया इसका, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आ रही है। सब्जियाँ खानी भी चाहिए, सब सब्जियाँ। हाँ जी, हाँ जी, घी भी आ गया, वो हो गई हमारी रेसिपी फाइनल। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो गई है, तो रिशोर्ट करें फिर। हाँ जी, ये थोड़ा सोर हो गया तो इसमें आपको इजी हो। ये तो व्यूअर्स ये देखें, ये जो हमारी आज की रेसिपी है मूंगरे आलू मटर,
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्ती इसकी लुक है और टेस्ट में बहुत अच्छी है, खुशबू का क्या ही कहना, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। तो व्यूवर्स ये जो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कौन सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करता कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।